दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के पोयम जिसका टॉपिक है अमेंडा। इसमें बताया गया है जैसे हर बच्चों को उसके घर में, चाहे वो लड़की और लड़का, उसे घर में कुछ उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं या फिर अगर कोई काम करता है तो उसको मना किया जाता है वो काम करने से, जैसे कि अगर नाखून को चबाना दांत से और भी कुछ काम जैसे रहता है उसको बोला जाता है कि मना किया जाता है नहीं करने के लिए। और हम कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे भी दे आते हैं जिसे कहा जाता है कि वो काम करो, जैसे सुबह उठो तो अपने बिस्तर को सही कर दो होमवर्क बनाने के लिए, उस टाइप में। तो इसमें जो अमेंडा है वो एक लड़की है जिसको उसके पेरेंट्स के द्वारा दिया जाता है इंस्ट्रक्शन कि ये काम करो और वो मत करो। तो इसमें बताया जाता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि जो नाखून है उसे मत चबाओ अमेंडा, या फिर जो अपना शोल्डर है उसको मुचकाओ मत, मीन्स शोल्डर को कस के मुँह मत करो जिस कारण उसमें दर्द आ जाए। और जब भी कहीं अगर खड़े रहते हैं तो एकदम स्ट्रेट सीधा खड़े रहो, या फिर जब बैठना हो तो सीधा बैठो, क्योंकि हल्का झुक के बैठने से जो हमारे रीढ़ की हड्डी रहती है वो भी थोड़ा झुकाव में आ जाता है, जिसके कारण हमें पेन भी होता है कभी कभार। तो इसमें बताया गया है कि हमें सीधा खड़ा रहना चाहिए या फिर बैठना चाहिए। इसी तरह उसके फैमिली में कहा जाता है कि अपने जैसे शूज़ है उनको पॉलिश करने के लिए, होमवर्क बनाने के लिए, और जो घर है जो रूम है उसको साफ़ करने के लिए अपना। इसमें अमेंडा है उसे और भी कहा जाता है कि तुम चॉकलेट्स मत खाओ, जो कि वो चॉकलेट इसको मतलब उसे जो चॉकलेट पसंद है उसमें भी कहा जाता है कि उसे एक्सेसिव ज़्यादा मात्रा में मत खाओ, जिससे वो तुम्हारे दांत ख़राब हो जाएंगे। और जब तुमसे कोई बात करे या फिर अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो उसमें, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि अगर मैं जैसे तुमसे बात कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ तो तुम यहाँ वहाँ देखने के बजाय वहाँ पे सामने खड़े रहो चुपचाप और मेरे आंखों में देखो और इधर उधर दूसरी तरफ मत देखो। इसी तरह इसमें जो अमेंडा है उसको बताया जाता है कैसे अमेंडा की तरह ही बहुत सारे जो और बच्चे होते हैं जो कि सोचते हैं कि ये एक इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं वो उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं, बल्कि वो उन्हें इसलिए दिए जाते हैं कि वो कोई गलत पाथ ना पकड़ लें या फिर कोई गलत हैबिट ना पकड़ लें। इसी तरह इसमें बताया गया कि जो अमेंडा है वो भी उन्हीं की तरह रहती है, लेकिन वो ये सोचती है कि अगर काश ऐसा होता कि मैं एक जलपरी होती और साथ में जो पानी है उसमें मैं आराम से फ्रीली घूम सकती, या फिर मैं स्ट्रीट पे आराम से यहाँ से वहाँ घूमती वो भी नंगे पैर पे। तो इसमें वो बताना चाहती है कि फ्रीडम के बारे में, वो चाहती है कि उसे कोई रोके टोके ना, जो काम करे वो उसे करने दिया जाए चाहे वो कुछ भी काम करे। इस तरह उसमें वो बताती है इस बात को, लेकिन इससे मेनली बताया जाता है कैसे वो बोलती है कि रेपुंजल जो एक कैरेक्टर है कार्टून की, जिसके अंदर मेनली जो कार्टून्स देखते हैं उनको ये शायद पता होगा कि उसके जो बाल थे वो बहुत बड़े थे और वो एक बहुत ही बड़े बोल सकते हैं ऊंचे महल में रहती थी जहाँ पर आना बहुत मुश्किल था, और जब अगर कोई वहाँ पर ऊपर आना चाहे तो वो अपने बाल को, उसके बाल जो है वो जितने चाहे उतने बड़े हो सकते थे, जिसके कारण वो अपने बाल को नीचे ला देती और वो टावर की तरह एकदम जो टावर है उस पर चढ़ने के लिए वो मदद करता था। लेकिन ये जो लड़की है अमेंडा ये सोचती है कि मैं वहाँ पर एकदम अकेली रहूँगी और किसी को वहाँ पर अलाव नहीं करने दूँगी आने के लिए। इसी तरह इसमें बताया गया कैसे कि हमारे पेरेंट्स के द्वारा सबको बताया जाता है कि आप ये काम मत करो, जैसे कि अगर आप कोई काम कर दें तो बोला जाता है कि काम नहीं करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर पूरे जो हैबिट्स हैं वो हमें लग जाए और इसी तरह वो चलते रह जाएं, इसीलिए हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। लेकिन बच्चों के माइंड में तो यही रहता है कि उन्हें ये ज़बरदस्ती बोला जाता है काम करने के लिए और उनको फ्रीडम नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों उस तरह ये भी जो अमेंडा है वो भी उसी बच्चों में एक कैटेगरी में आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।